अच्छा शांतमा यहाँ आइए, किधर? उसी तरफ देखिए। एक बात बोलिए, रात को अब क्या खाते हो? रोटी खाते हो, खाना खाते हो? चावल खाते हो? अच्छा अच्छा बढ़िया, पहले हंस रहे हो। अच्छा चावल करने के बाद फिर क्या करते हो? थोड़ी देर उसके बाद डर नहीं होना सर, देखो भी डराते नहीं। तो आप ये काम कभी भी पहले जैसे पास करते करते एकदम से बोलो तो उसने किया तुमको डर नहीं लगा? प्रैक्टिस आएगा। 14-15 साल से नीचे बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं, क्योंकि उन लोग कॉन्शियस माइंड में होते ही नहीं है। 7 साल तक तो सबकॉन्शियस में रहते हैं, उसके बाद फिर उनके अंदर कॉन्शियसनेस आते जाते हैं, टाइम लग रहा है। मनीष आइए, मनीष जी एक बात बताइए, रात का तो आपका मुझे शेड्यूल तो पता है, लेकिन फिर भी खाना जब खाते हो ना, खाना जब खाते हो तो खाना खाने के बाद फिर क्या करते हो? दोपहर रात का खाना कितने बजे खाते हो? रोटी या चावल या अल्टरनेटिव? रोटी, मैक्सिमम रोटी। ओके गुड, उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद थोड़ा हाफ आवर घूमने जाते हैं। अच्छा, शांता माँ के जैसे ही है। उसके बाद क्या करते हो? उसके जाके फिर हीलिंग करके मंत्र करके सो जाते हैं। सो जाते हो? सो जाओ फिर। लेकिन आपका मकसद है इनको ट्रांसमिट शॉक देने का, आपने पीछे किसी को खड़ा करके रखा है और एकदम से आप कर सकते हैं क्योंकि वो कंफ्यूजन वाला ही ना, क्योंकि उनका तो ध्यान ही नहीं। क्या हो गया? नहीं सो जाते हो? ओम स्वस्ति अस्तु, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं की रामा आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आश्रम किडुंग पामुलेन जीवा में स्वागत करता हूं। एक रिक्वायरमेंट आया है महालय अमावस्या के दिन, मेरे कुछ स्टूडेंट्स यानी छात्र जिन्होंने मुझसे इल्मु गंदम और दूसरे सारे कोर्स के अप टू ग्रैंड मास्टर लेवल तक का कोर्स किया है, उनका रिक्वायरमेंट है आज के दिन में पूर्वजों द्वारा यानी उनके पूर्वजों के द्वारा कुछ भाग्यशाली वस्तु यानी कुछ विरासत, पूर्वजों की जो विरासत होती है वो उनको मैं दूँ। मेरे आश्रम के दिव्य शक्तियाँ एंजल्स के द्वारा जो गाइडेंस मुझे मिली है उसके अनुसार मैंने उनको बताया और उनको ये चाहिए थी। अभी रात हो चुका है, करीबन 12 बजने वाले हैं रात के। हम पूर्वजों की विरासत को ढूँढेंगे मेरे कुछ स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मुझे पूर्वजों की विरासत के लिए अनुरोध किया है। वो है डॉक्टर विजयलक्ष्मी माँ, निवेदिता विश्वास माँ और झलक लांबा। ये 3 लोगों के लिए मैं आज पूर्वजों की विरासत ढूंढूंगा जो उनके पूर्वज देना चाहते हैं गुरु के माध्यम से यानी की रामा सांगेन सिरा के माध्यम से। उसके लिए करीबन बहुत देर का एक रिचुअल, बहुत बड़ा रिचुअल करना पड़ा। रिचुअल के बाद पूर्वजों के आज्ञा से अब मैं इसको बाहर ढूंढने के लिए जाऊँगा, पूर्वजों की विरासत को। आइए आपको इसका छोटा छोटा अंश मैं दिखाऊंगा कैसे इसको प्राप्त किया जा सकता है। सो, विरासत को ढूंढने के लिए मुझे पहले पूर्वजी की आशीर्वाद लेनी पड़ेगी और वो मैंने रिचुअल के माध्यम से उनसे मैंने रिचुअल किया और उनसे मैंने आशीर्वाद मांगा। अब मुझे पूर्वज बताएंगे कहाँ पर वो विरासत रखा हुआ है। मुझे गाइडेंस तो मिला है जो कि मेरे घर के ठीक नीचे एक आम पेड़ है, उस पेड़ के नीचे ही वो विरासत पूर्वज मुझे देंगे। आइए मैं चलता हूँ। ये मेरी बिल्ली बैठी हुई है, म्याऊं, पुचू पुचू, चुपचाप शांत बैठी हुई है। चलिए चलते हैं, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी से हमको उतरना है। सो, नीचे आ चुका हूँ और ये वो आम पेड़ है। देखिए नीचे एकदम जगह एकदम क्लीन है, यहाँ पर मुझे वो विरासत मिलेगी पूर्वजी की, डॉक्टर विजयलक्ष्मी के लिए, निवेदिता के लिए और झलक लांबा के लिए। आइए मैं ढूंढता हूँ यहाँ पे क्या रखा हुआ है। उससे पहले जो भी प्रोसेसेस है वो प्रोसेस करना है।
आइए अब, आइए अब विरासत को ढूंढते हैं, मांगते हैं पूर्वजों से। ओम स्वस्ति अस्तु, ओम स्वस्ति अस्तु, ओम स्वस्ति। लॉक करना है। ये तीन विरासत तीन लोगों के लिए, तो इस प्रकार से विरासत को प्राप्त करना हो चुका है। अब आगे जाऊंगा और फिर से इनको रिचुअल करना है और उसके बाद उनको भेजना है। भाग्यशाली स्टोन है, घर में रखेंगे तो पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। अगर आपको भी, आप में से किसी को भी ऐसे विरासत चाहिए, जरूरी नहीं है स्टोन के रूप में आए, इस क्रिस्टल के रूप में या दूसरे किसी भी वस्तु के रूप में ये मिल सकता है। अगर आपको, आप में से किसी को ऐसे पूर्वजों की विरासत चाहिए, अपने पूर्वजों को या दिव्य शक्तियों द्वारा दिए गए अलग अलग वस्तुएं चाहिए, जो कि धन के लिए, किसी भी रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बिजनेस के लिए, भाग्य को आकर्षण करने के लिए, जॉब के लिए आदि, हर एक क्षेत्र के लिए, उपचार के लिए भी, ऑटोमेटिक हीलिंग भी होता है, ऐसे वस्तुएं चाहे, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप। सो आखिर मैं अपने रिचुअल के रूम पे आ गया हूँ और अब रात को इसकी रिचुअल होगी। बहुत लंबा रिचुअल चलेगा, भाग्यशाली वस्तुओं को और भाग्यशाली, और इसमें जो पूर्वजी की शक्तियाँ हैं, पूर्वजों का आशीर्वाद है, वो और ज़्यादा पावरफुल और स्थापित हो और परमानेंट हो, उसके लिए अब मुझे रिचुअल करना है। तो आप में से किसी को भी इस प्रकार पूर्वजों की विरासत चाहिए, या दिव्य शक्ति या एंजल्स के द्वारा कोई विरासत आपको चाहिए जो कि आपको भाग्य को बदल दे, आपको किसी भी रिलेशनशिप को हील करे, या मनी प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस सक्सेस बिजनेस जॉब आदि में आपको ही ऑटोमेटिकली हेल्प करे, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। ये बहुत ही अमेजिंग साइंस है जिससे हमारे पूर्वज या एंजल्स हमको ये विरासत के रूप में देते हैं और ये ऑटोमेटिक वर्क करता है। ये मैं रिचुअल वगैरह करके बाय कोरियर भेजता हूँ आपको, जब मिलेगी उसके बाद एक वीडियो कॉलिंग में सेशन होगा जहाँ पे मैं आपको इसकी परमिशन दूंगा इस वस्तु को इस्तेमाल करने का, और उसमें जो ट्रिप्स हैं, कैसे आप इनसे कनेक्टेड होंगे और कैसे काम करेगा, इंस्टेंट वर्क करता है। जैसे ही मैं आपको इसकी इजाज़त दे दूंगा, इंस्टेंट ये वर्क करने लगेगा। तो धन्यवाद आप सभी को मेरे वीडियो से जुड़ने के लिए, धन्यवाद मेरे पूर्वज, मेरे ईश्वर, धन्यवाद सभी दिव्य शक्ति एंजल्स।
और किडुंग पामुलिन जीवा के सभी ग्रैंड पेरेंट्स, आप सभी को धन्यवाद।